चर्च जाता रहता है वो प्रभु में हीन रहता है। वही तो वचन था कि प्रभु में जो बने रहते तो मुसीबतें आती हैं, लेकिन वो मुसीबतें दूर हो जाती हैं। तो जय मसीह की, दवाई दे के एक घंटे रखे तो दे दिया घर पे रखे जाओ। घर पे आए 2 बजे के टाइम फिर और ज्यादा हालत खराब होती चली गई। फिर मावी में ले गए, फिर मावी में जाँच करी, उसने दिल की जाँच करी, बीपी नापा तो 50। फिर उसने कह दिया है बीपी हालत बहुत खराब है, पंच में ले जाओ। माँ भी बहुत कहते रहे भर्ती कर लो, कहा नहीं हम नहीं करेंगे भर्ती, बहुत इमरजेंसी केस है तुम्हारा, हम नहीं संभाल पाएंगे। फिर गाड़ी करके पंच में ले गए, वहाँ भी मना कर दिया, बोले तुम्हारा मरीज की हालत बहुत सीरियस है, हम नहीं भर्ती कर पाएंगे। फिर एक सामने अस्पताल वहाँ भेज दिया, वहाँ भी मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा राम मनोहर लोही हम ले जाओ, वहाँ ले गए तो वहाँ भर्ती करा, लेकिन हुआ भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कर लिया भर्ती। हम तो प्रभु में ही लगे रहे, वहाँ होश था फिलहाल, अपने प्रभु के लिए दुआ हम करते ही रहे। और फिर उन्होंने फिर भी भर्ती कर लिया, तो यह इंजेक्शन लगाया, बोतल में बहुत सारे इंजेक्शन डाले। फिर वो जाँच के लिए भेज दिया, दिल की जाँच करके फिर ऊपर भेजा, ऊपर से जाँच आई, जाँच बिल्कुल नॉर्मल आई। फिर उन्होंने दवाई दे के और थोड़े भर्ती करा, थोड़ी मतलब लौट शाम को छुट्टी कर दी, बोले बोले ले जाओ जब दवाई चलाओ। हमारे यहाँ सब सारे सब होने लगे, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई, फिर दुआ से ठीक हो गए, यहाँ से दवाई। हालेलुया, 3 बजे टेलीफोन आया था, 3 बजे जब प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, असंभव को, क्यों? क्योंकि ये परिवार हमेशा था। मृत्यु क्यों आई?